जोहार लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष शेखर और सीबीआई कोर्ट से आपको यहां पर पूरा नज़ारा दिखाया हूं अब तक। और अब तक जो हमें जानकारी है कि अब जुडिशियल कस्टडी में रहेंगे लालू प्रसाद यादव। चारा घोटाला मामले में उनका सजा का फैसला पर सुनवाई बाकी है। हमारे साथ नसीमा जमाल हैं जो राजद के प्रदेश महासचिव हैं बिहार के। बताएंगे कि इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? ये फैसले से इस तरह हम देख रहे हैं, बहुत उम्मीद के साथ हम लोग आए थे बिहार से, बट उम्मीद तो टूटा नहीं है। कोई बात नहीं है, जब मेरे लालू जी हिम्मत नहीं हारते हैं तो फिर हम लोग कहाँ से हिम्मत हार जाएंगे। और इतने बड़े बड़े घोटाला होता तो उस पर कोई सजा ही नहीं होता है। फिर भी कोई बात नहीं है, न्यायालय पर हम लोग को बहुत उम्मीद है और भरोसा है कि जो होगा बहुत अच्छा होगा। 11 करोड़ जनता की आशीर्वाद है और पूरे देश के आशीर्वाद है कि लालू जी को 21 तारीख को बहुत अच्छा हम लोग को सुनने के लिए न्यूज़ मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा, और बिहारी के नेता नहीं पूरे देश के नेता हैं मेरे, झारखंड के भी हैं, बिल्कुल पूरे देश के हैं, ठीक है। मेरे लालू जी वो हैं। तो रहा बात सुनने के बाद, हम लोग का उतना हिम्मत नहीं टूटा, बिल्कुल हम लोग हिम्मत बुलंद करके हैं और मेरे लालू जी भी हिम्मत एकदम करके रहते हैं। लगता है कि अभी जो सिचुएशन है राजनीतिक स्तर पर कोई प्रभाव पड़ेगा? जी नहीं पड़ेगा। एक मिनट, एक बात आपको मैं बता दूं, न्यायालय से मैं ये कहना चाहती हूँ, उम्र के हिसाब से और थोड़ा सा देखकर उनको ये नहीं करना चाहिए। जो 24 आदमी करे या हुआ, उसमें तो एक लालू भी तो थे, उनका भी तो हो जाना चाहिए। तो लालू ये सॉरी मोदी जी, योगी जी और अमित शाह जो चाह रहे थे वो तो कर दिए, पर कोई बात नहीं है, उनका सोचा हुआ होगा नहीं। हम लोग बिहारी हैं, सब पे भारी हैं, ठीक है ना। लालू बिना बिहार ना चली, ये आप जान लीजिए, लालू हैं तो बिहार है। अच्छा, आप राजद के प्रदेश महासचिव हैं और आप भोजपुरी में भी बोले, यहाँ पर एक भोजपुरी को लेकर नया मसला खड़ा हो गया, आपको पता होगा। हम भोजपुरी हैं, भोजपुरी भी बोले नहीं, झारखंड में अच्छा। जो भोजपुरी मगही इन अच्छा। भाषाओं को लेकर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है जी। लालू जी भी यहाँ आने के बाद इस पर कुछ बोले हैं कि जो मान्यता है सरकारी नौकरियों पर, उनका विरोध भी हो रहा है, कहीं सपोर्ट भी हो रहा है, आप किस तौर पर? मान्यता मिलना चाहिए भोजपुरी का अच्छा। बिल्कुल मिलना चाहिए झारखंड में, बिल्कुल झारखंड में मिला, बिहार में तो मिला नहीं। बिल्कुल मिला चाहिए, पहले बिहार में दिलवा लीजिए। जी बिहार में भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, देखिए आप। बिल्कुल। अब 21 तारीख को लेकर जो है फैसला जो आना है, हाँ 21 तारीख, 21 तारीख को भी आप लोग और हम लोग नहीं आएंगे, नहीं अभी हम लोग यहाँ पे रहेंगे रांची में। अच्छा, बिल्कुल रहेंगे रांची में, हम लोग वेट करेंगे 21 तारीख को, बेसब्री से इंतजार करेंगे। बच्चों को भी साथ लेकर आए? बिल्कुल, बच्चों को भी साथ लेकर, बिल्कुल। चलिए, ये राजद के प्रदेश महासचिव बिहार के हैं, और भी लोगों से बात करते हैं और उनकी क्या राय है वो जानते हैं।